बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुजाफ़िले के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 17 में आज हम मुजाफ़िले के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है अदबुन उस्तादुन, अदब उस्ताद। अब ये दोनों को मिलाकर हमें मुजाफ़िले बनाना है। जैसे हम उर्दू में उसका उसकी उसकी कहते हैं, उस्ताद का अदब, किताब का सबक। जैसे हमें का की के का मायने पैदा करना होता है तो उसे अरबी में जो है मुजाफ़िले कहते हैं, यानी उस एक इसमें जो है दूसरे की तरफ इजाफत उसकी की जाती है। तो अदबुल उस्ताद के अंदर अदब जो है मुजाफ है और अल उस्ताद मुजाफ़िले है। तो मुजाफ़िले के बारे में इतना जान रखिए कि उर्दू में इसका तर्जुमा अरबी में जो है इसका तर्जुमा उल्टा होता है। जब हम इसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे अदबुल उस्ताद का तो इस तरह इसका तर्जुमा होगा, उस्ताद का अदब। और एक बात ये भी याद रखिए कि मुजाफ यानी यहाँ पे जो अदब है अदबुल उस्ताद के अंदर अदब मुजाफ है और अल उस्ताद मुजाफ इले है। तो मुजाफ के मुजाफ पर तनवीन नहीं आती और मुजाफ इले जो है हमेशा हालत जर्म होता है, यानी उसमें कसरा आता है। और एक बात कि मुजाफ़ पर जो है अलिफ लाम भी नहीं आता। तो ये सारे चीज़ें जो है आज हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है अदबुन उस्तादुन, अभी इन दोनों को मिलाकर हमें मुजाफ़िले बनाना है। तो बनाएंगे अदबुल उस्तादु, तो तर्जुमा क्या होगा, उस्ताद का अदब। फिर दिया गया है दरसुन किताबुन, तो दरसुल किताब ये मुजाफ़िले बनाया गया है तो इसका तर्जुमा होगा किताब का सबक। फिर कह रहे हैं वक्तुन लईबुन, इसका मुजाफ़िले बनाना है वक्तो लईबी, खेल का वक्त। फिर कह रहे हैं लौनुन जहरुन, लौन का मतलब होता है रंग कलर, तो कह रहे हैं लौनुन जहरी, तो होगा फूल का कलर यानी फूल का रंग। तो ये हुआ मुजाफ़िले, यहाँ पे चार जो है आपको बताए गए हैं। तो अदब दर्स वक्त लौन, दरसुल उस्ताद दरसुल किताब, अदबुल उस्ताद वक्तुल लईब लौन जहर के अंदर जो अदब दर्स वक्त और लौन है ये मुजाफ है, और अल उस्ताजी अल किताबी अल लईब अल जहरी जो है ये मुजाफ़िले हैं। तो अब यहाँ पे आगे देखिए फसलुत्तीनी, फसलु मुजाफ अत्तीनी मुजाफिले, तो क्या होगा तर्जुमा, फसल यानी मौसम और तीन यानी अंजीर। तो तर्जुमा होगा, उल्टा तर्जुमा करते हैं इसका, तीन से शुरू करते हैं अंजीर का मौसम। फिर कह रहे हैं फजलुल्लाही, फजल यानी अल्लाह का करम, तो इसका तर्जुमा करते हैं वो उल्टी तरफ से अल्लाह का फजल। फिर कह रहे हैं यौमुल जुमाती, तो यौम का मतलब होता है दिन, जुमा का मतलब होता है जुमा, मुजाफ़िले किसका तर्जुमा कैसा करेंगे, जुमे का दिन। फिर कह रहे हैं यौमुल ईद, तो इसका तर्जुमा करेंगे मुजाफ़िले का, ईद का दिन। फिर कह रहे हैं तमरीन उद्दर्स, तमरीन का मायने होता है मश्क, यह मुजाफ है अदरसी मुजाफ़िले है, तो इसका तर्जुमा करेंगे सबक की मश्क। फिर कह रहे हैं दरसुल अरबी, दर्स मुजाफ अल अरबी मुजाफिले, तो अरबी का दर्स इसका मतलब हुआ। फिर कह रहे हैं कलमुर रसासी, कलमुर रसास कहते हैं पेंसिल को। फिर कह रहे हैं कलमुल हिब्र, हिब्र कहते हैं शाही को, कलम कहते हैं पेन को, तो कलम मुजाफ हिब्र मुजाफिले, तर्जुमा होगा शाही का पेन। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं तर्जुमा करो, अब हमें जो है उर्दू का तर्जुमा करना है, उर्दू का अरबी में करना है। तो कह रहे हैं लड़के का नाम, तो नाम चूंकि इसमें अरबी में लास्ट में आता है तो हम इसको पहले लेंगे, तो क्या होगा ये मुजाफ है इस्मु, लड़के को अरबी में कहते हैं वलद, तो होगा इस्मुल वलदी लड़के का नाम। फिर कह रहे हैं आदमी की तस्वीर, तस्वीर की अरबी होता है रस्म, आदमी की अरबी होती है रजुलुन, तो उसका पुरान मिला के कैसा होगा रस्मुल रस्मुर रजुली। फिर कह रहे हैं बाग का मेवा, मेवा कहते हैं फाकी फाकी हतु को, तो फाकी हतु
बा को कहते हदीकती, तो बुरा मिलाव के होगा फाकिहतुल हदीकती। फिर कह रहे हैं घर का काम, तो काम के लिए आदि में शुगुल का इस्तेमाल होता है, घर के लिए बैत, तो इसका मुजाफ मुजाफ लिए बनाएंगे शुगुल बैती। फिर कह रहे हैं चूहे का रंग, तो रंग के लिए अरबी में लौन का इस्तेमाल होता है, चूहे के लिए फार, तो उसका मुजाफ मुजाफ लिए बनाएंगे लौनुल फारी। फिर कह रहे हैं दोस्त का घर, घर की अरबी होती है बैत, दोस्त का घर होता है सदीक सदीक, तो तर्जुमा होगा बैतु सदीक। फिर कह रहे हैं लिखने का वक्त, इसका मुजाफ मुजाफ लिए बनाना है, तो वक्त पहले लाएंगे वक्तु, फिर लिखने के लिए आता है किताबत, तो पूरा होगा वक्तुल किताबती। फिर कह रहे हैं मुस्लिम का ईमान, तो ईमान पहले लाएंगे मुस्लिम बाद में लाएंगे, तो इसका मुजाफ मुजाफ लिए होगा ईमानुल मुस्लिमी। फिर कह रहे हैं कयामत का दिन, उसकी मुजाफ मुजाफ लिए बनाना है, तो पहले लाएंगे यौमुल, फिर लाएंगे कियामत, तो होगा यौमुल कियामती। फिर कह रहे हैं अंजीर का दरख्त, दरख्त की अरबी होती है शजर, अंजीर की तीन, तो पूरा मिला के होगा मुजाफ मुजाफ लिए सजरुद्दीन। फिर कह रहे हैं गुलाब का मौसम, तो मौसम की अरबी होती है फसल, गुलाब की अरबी वर्दा, तो वो होगा फसलुल वर्दा फसलुल वर्दी। फिर कह रहे हैं तोते का पिंजरा, पिंजरे के लिए इस्तेमाल होता है असीस, तो हम करेंगे तोता, तोते का इसका असीसुल नहीं, तोते की होती है कफ्स, पिंजरे को अरबी में कफ्स कहा जाता है, तो होगा कफ्सुल बबकाई। फिर कह रहे हैं अरब की ज़मीन, तो ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है अर्ज, अरब के लिए अरब, तो होगा अर्जुल अरबी। फिर कह रहे हैं अल्लाह का नाम, नाम के लिए इस्म इस्तेमाल होता है, मुजाफ होगा ये, तो होगा इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम। फिर कह रहे हैं लिखने की मश्क, इसकी मुजाफ मुजाफिले बनाएंगे होगी तमरीनुल किताबती। फिर कह रहे हैं वालिद का दोस्त, दोस्त के लिए सदीक इस्तेमाल होता है, तो वालिद के लिए वालिद, तो होगा सदीकुल वालिदी। फिर कह रहे हैं अल्लाह की किताब, किताब के लिए किताब, अल्लाह के लिए अल्लाह, तो मुजाफिस मुजाफिले होगा किताबुल्लाही। फिर कह रहे हैं कब्र का अजाब, अजाब के लिए अजाब इस्तेमाल होता है, कब्र के लिए कब्र अजाब होता है इस्तेमाल होता है, तो मुजाफ मुजाफ लिए इसका होगा अजाबुल कब्री। फिर कह रहे हैं पढ़ने का वक्त, वक्त के लिए वक्त इस्तेमाल होता है, पढ़ने के लिए किरात का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मुजाफ मुजाफ लिए होगा वक्तुल किराती। फिर कह रहे हैं अल्लाह का घर, अल्लाह के घर के लिए, घर के लिए बैत, अल्लाह के लिए अल्लाह, तो इसका मुजाफ मुजाफ लिए होगा बैतुल्लाही। फिर कह रहे हैं कौवे का रंग, रंग के लिए लौन, कौवे के लिए गुराब, तो कह रहे हैं लौन, तो इसकी मुजाफ मुजाफ लिए होगा लौनुल लौनुल गुराबी। फिर कह रहे हैं मछली की शक्ल, शक्ल के लिए शक्ल, मछली के लिए समक इस्तेमाल होता है, तो इसकी मुजाफ मुजाफ लिए होगा शक्ल समकी। फिर कह रहे हैं गुलाब का पौधा, पौधे के लिए गरस इस्तेमाल होता है, गुलाब के लिए वर्दा, तो इसका होगा गरसुल वर्दी। फिर कह रहे हैं अल्लाह का बंदा, अब इस बंदे के लिए आबद का इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए अल्लाह, तो पूरा मिला के होगा अब्दुल्ला। फिर कह रहे हैं अल्लाह का रसूल, रसूल के लिए रसूल, अल्लाह के लिए अल्लाह, इसका मुजाफ मुजाफ लगा रसूलुल्लाही। फिर कह रहे हैं कुरान की तालीम, तालीम के लिए तालीम इस्तेमाल होता है, कुरान के लिए कुरान, तो इसका मुजाफ मुजाफ होगा तालीमुल कुरानी। फिर कह रहे हैं तालीम का तरीका, तरीका के लिए मिनहाज इस्तेमाल होता है, तालीम के लिए तालीम, तो इसकी अरबी होगी मिनहाजुत तालीम। ये तो बहुत ज़रूरी है मुजाफ मुजाफिले, कुरान मजीद में हर जगह जो है ज़रूरत के वक्त भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कुछ ना समझा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।